खबर उन्नाव से है, जहां बीते दिनों आजाद हॉस्पिटल में एक तीर मरदार ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ व वहां मौजूद स्टाफ और तीर मरदारों के साथ अभद्रता की थी, जिसको लेकर हॉस्पिटल द्वारा पुलिस को कार्यवाही को लेकर शिकायती पत्र दिया गया था, जिस पर हॉस्पिटल द्वारा बताया गया है कि अभी तक इसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बता दें कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार और तोड़फोड़ की है थी, जिसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ से प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है कि अभी तक कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं रोक पाएंगे। तोड़फोड़ करने वालों ने भर्ती मरीजों को भी नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं अस्पताल में भर्ती मरीजों की दर्द भरी दास्तां। हमारा राम प्रसाद। पत्ती का इलाज चल रहा है, कहाँ चल रहा है? यही अस्पताल में चला, आजाद हॉस्पिटल। क्या दिक्कत थी पत्नी? पत्नी के हमारे सर पर ऑपरेशन भया है। हाँ, अरे कुछ दिन पहले घटना हुई थी, मारपीट हुई थी जी, लोगों द्वारा अस्पताल को तोड़फोड़ की गई। क्या था पूरा मामला पता है? अब सर हम ज़्यादा तो नहीं जान सकते हैं, मगर ये जान सकते हैं कि हम जब आए तो जी लोग मारपीट कर रहे हैं, हम हूँ लोग भगन का, हम लोग कहाँ करें, काला आगे लगा जब अब कहाँ करें सर, हत्ता पहिया मैंने वही लोग थे, 40 आदमी रहे। हाँ, क्या मरीज के साथ क्या किया? अरे मरीज हमारे गिरी पर आ रहा है सर, अब कहाँ करें, अब देरंग मारे भागेगा ना, अब वही लोग कह रहे हैं आगे लगा दे, अब तो आदमी तो जान तो बचाएगा ना सर। क्या नाम है? गुलाब। कुछ दिन पहले कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या घटना? हमारे साथ का लोग आए तोड़ फोड़ करेला, कला निकलो नहीं आगे लगा देंगे, और नहीं तो हम लोग यहाँ ऑपरेशन पे अच्छी दवा हमारी हो रही है और खूब पैसा भी नहीं कम। कौन लोग थे बवाल कर रहे हैं? वो लोग ले। क्या हुआ था उन लोगों के साथ, किस लिए ये? अरे हम लोग तो यहाँ पे रहन अपने खटिया पर, हम नीचे पता नहीं क्या हुआ कहाँ नहीं हुआ, जबकि हमारे आगे सब है तो वो बता रहे। मारपीट भी की थी आप लोगों के साथ? हाँ, हमारी पीट भी। आप लोग डर गए होंगे कभी? हम लोग बहुत डर गए, तो अपन हम टाँका हमारे लगे रहे, कपड़ा उपड़ा लेके हम समेटे तो गिर गए, फिर हमारे टाँका टोटे लगे, दर्द हुए लगी, कहीं कोई दवा फिर आए दवा लिया। आप लोग का इलाज चल रहा है? अब बहुत बढ़िया इलाज हो रही है, पैसा भी नहीं अच्छा, मान लोग चले लगे। अनिल दीक्षित। आप यहाँ भर्ती थे, कुछ पहले घटना हुई थी जी, क्या हुआ था? वो औरत का ऑपरेशन हुआ था तो उसमें कुछ सीरियस में मतलब ऑपरेशन हुआ तो उसको कुछ दिक्कत हुई होगी, तो वो स्टाफ ने रिफर करके उसको कानपुर भेजा, तो वहाँ ऑपरेशन का जो भी देख दिया हुआ तो वहाँ वो ख़त्म हो गई, तो वहाँ से वो लेके यहाँ पे अपनी बाड़ी को रखे और यहाँ हंगामा किए, हम लोगों को भी परेशान किए और बताएँ, हाँ हम लोगों को परेशान किए कि अपने अपने मरीज निकालो, यहाँ आग लगाने जा रहे हैं, ये शीशा ईशा सब तोड़ दिया, सारे मतलब मरीजों को परेशान किए। कितने लोग थे? अरे वो 7-8 लोग थे। महिला की मौत यहाँ पे हुई थी कि क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं हुई थी, रिफर जो हुई वहाँ इलाज के दौरान हुई होगी। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। किस पद पे हैं? मैं राज हॉस्पिटल का ऑनर हूँ। कुछ दिन पहले घटना हुई थी जी, क्या हुआ था उससे, क्या आप लोगों को नुकसान हुआ है क्या? देखिए ऐसा है कि आजकल जो मरीज आते हैं अस्पताल में भर्ती होने के समय तो डॉक्टर की पूरी बात मानते हैं, जिला अस्पतालों में पड़े रहते हैं, गाँव में अलग तरीके का झोला छापों से इलाज कराते रहते हैं, और उसके बाद जब केस बिगड़ जाता है तब तो अस्पतालों में आते हैं। अस्पताल में आने के बाद में वो हर तरीके से कंसर्ट साइन करते हैं, डॉक्टर उनको समझाते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन अगर उसके बाद कोई हादसा हो जाता है किसी मरीज के साथ में, वो भी डॉक्टर वो अस्पताल नहीं चाहता है कि किसी मरीज के साथ कोई हादसा हो, लेकिन अगर हादसा हो जाता है तो होने के बाद में वो लोग अवैध उगाही के लिए नर्सिंग होम के डॉक्टर के ऊपर, नर्सिंग होम के मालिक के ऊपर अनैतिक तरीके का दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर मारपीट करते हैं, अस्पताल के स्टाफ को मारते हैं, सामान को तोड़फोड़ करते हैं, और जो इस तरीके ये लोग कर रहे हैं आने वाले समय में तो मुझे नहीं लगता है कि उन्नाव में कोई भी डॉक्टर आगे चल के किसी मरीज का इलाज करेगा। इसको लेकर कहीं आपने शिकायत की? शिकायत की जाती है लेकिन कोई सुनता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह कार्रवाई? हम लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी नर्सिंग होम के मालिक को, किसी भी अस्पताल के स्टाफ को परेशान न किया जाए,
बस हमारी यही चाहत है। हाँ, उसमें जो नज़दीक कोतवाली है, कोतवाली में एप्लीकेशन दी गई है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो आगे चल के अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो फिर आगे चल के सभी नर्सिंग होम के जितने भी उन्नाव के सदस्य हैं, जितने भी नर्सिंग होम वाले हैं, सब लोग किसी तरीके हड़ताल करेंगे और इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, वो तो कईयों वीडियो में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, खुला है, 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 20 लाख मांग रहे हैं, 25 लाख मांग रहे हैं, 50 लाख मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ काटने पीटने का काम करते हूँ।